रिएक्शन थी हमारी कौन सी, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन की रिएक्शन हम लोग ने कराई थी, NaNO2 और किसके साथ, H प्लस के साथ। यदि 1 डिग्री एमीन था तो 1 डिग्री एमीन यदि एरोमेटिक था तो क्या चीज हो रही थी वहां पर, डाइजोनियम क्लोराइड बन रहा था और उस डाइजोनियम क्लोराइड पर बहुत सारी रिएक्शंस पॉसिबल हो जाती थी। उसमें आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल ऐड कर सकते थे, वाटर ले लोगे तो फिनॉल बन जाएगा, CU और HCl ले लोगे तो क्लोराइड लग जाएगा, CU और HBr ले लोगे तो Br लग जाएगा, KSH ले लोगे तो SH लग जाएगा, अगर ETOH ले लोगे तो बेंजीन बन जाएगा। और ETOH खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CHO में, यानी खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सामने वाले को रिड्यूस कर देगा। याद आ रही है रिएक्शंस, दिमाग में सेट कर लीजिए अच्छी तरीके से। एक रिएक्शन यहां पर थी जिसको कहा गया था बाल सीमेन रिएक्शन, उसके अंदर हमने डाइजोनियम पर रिएक्शन कराई थी HBF4 की, H+ BF4- की। तो इसके अंदर क्या होता है, पहले एक एडक्ट बनता है N2 पॉजिटिव BF4 निगेटिव, उसको हीट करने पर फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, यानी सारे जो कंपाउंड्स होते हैं उनका फॉर्मेशन हैलोजन आराम से लग जाता है, फ्लोरीन लगाने के लिए हमको इस मेथड का यूज करना पड़ता है। जो एडक्ट बनता है उस पर यदि हम NaNO2 कॉपर और हीट की, ये सीधे सीधे रिएक्शंस मेंस में आएंगी, सीधे सीधे मेंस में आएंगी, पता होगा आपको तो आप आराम से 30 मिनट के अंदर पूरा पेपर कर लोगे। अगर पता होगा और आपने चीजों को दिमाग में ऐसे सेट किया होगा तो आप पूरा पेपर 30 मिनट के अंदर निपटा लोगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो यदि आपने NaNO2 कॉपर और हीट लिया तो यहां पर आपका क्या होता था, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता था। ये रिएक्शन आती है, इसकी कैटेगरी जरा नोट करिएगा, ये आती है ARSN1 रिएक्शन की कैटेगरी में। जहां पर भी ये डाइजोनियम वाली रिएक्शन लिखी है ना, वहां लिख लो ARSN1 टाइप रिएक्शन। लिखो ऐसे ARSN1 टाइप रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। क्या मतलब है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ARSN1 लिख लो। कहां पर लिखोगे इसको, इधर मत लिखो, अलग से मत लिखो, वहां लिखो ना जहां आपने, अरे ये बची है ना, ये घड़ा जहां बनाया ना, ये वाला, ये घड़ा जहां बनाया है ना, जहां खूब सारे एरो निकाले हैं ना, उसी के बाजू में लिख लो, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ARSN1 टाइप रिएक्शन। हाँ यहां लिख लो इतनी जगह, ये जहां पर आपका इंटरमीडिएट बना है, जहां पर ये इंटरमीडिएट बना है ना, ये घड़े वाली रिएक्शन जो है, जहां बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना है जो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल है, वो आपका एग्जाम्पल है कौन सी रिएक्शन का, किस टाइप की रिएक्शन का, ARSN1 टाइप रिएक्शन का। क्योंकि इस रिएक्शन में, ये हमने क्यों बोला जरा समझो, इन रिएक्शन में क्या होता है, जो चीज आकर भिड़ रही है पॉजिटिव चार्ज पर, वो चीज क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल ही तो है, चाहे H2O का O देख लो, चाहे CuCl का Cl देख लो, चाहे KSH का S देख लो, ये सब क्या है, किस तरह से जाकर भिड़ रहे हैं, एज ए न्यूक्लियोफाइल। इसलिए ये जो रिएक्शन है, ये एग्जांपल है किस कैटेगरी का, ARSN1 टाइप की रिएक्शन का। ठीक है, यदि 1 डिग्री लिया जाता था और एलिफैटिक का केस होता था बच्चों, तो क्या होता था, तो वहां पर कई सारी वैरायटी के प्रोडक्ट बनते थे, और उनमें भी कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता था, जो रीअरेंज एल्कोहल होता है वो आपका ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा होता, जरा देखते हैं, मैंने आपसे कहा कि एक ये कंपाउंड है,
या ऐसे कर लेते हैं, ये कंपाउंड, और इस पर मैंने रिएक्शन करा दी, इसकी HNO2 H+ या NaNO2 H+ की, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बताइए ये जो प्रोडक्ट P होगा वो क्या बनेगा, और मैंने आपको जो ऑप्शन दिए हैं वो एक ऑप्शन मैंने आपको ये दे दिया, सेकेंड ऑप्शन मैंने ये दे दिया, थर्ड ऑप्शन मैंने आपको ये दे दिया, फोर्थ ऑप्शन ये दे दिया, क्या लगता है ये आ गया सवाल, मान लीजिए सिंगल ऑप्शन करेक्ट में, आप तो अपना जो भी बेस्ट सोच रहे हो वो सोचो, जरूरत होने की तिलकधारी ने कहा थर्ड, अपन भी है, ठीक है ठीक है, कुछ लोग के जवाब आने लग गए, ठीक है, ठीक 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 है ठीक है। लड़ाई मेरे ख्याल से दो कबीलों में दिख रही है, तीन के पक्ष में लोग हैं ज्यादा और दो के पक्ष में भी लोग हैं रिलेटिवली कम, तो चेक करते हैं क्या होगा। पहले तो आपको कैटेगरी समझनी है कि क्या होगा। सबसे पहले यहां ये जो पर्टिकुलर केस है आपको यह समझना होगा कि आपके पढ़े हुए कौन से केस के तहत आ रहा है। ये आपका वन डिग्री एमीन केस है एलिफेटिक, एलिफेटिक यानी बनेगा क्या, कार्बोकैटायन। कई सारे प्रोडक्ट बनते थे, उसके बाद रिअरेंज होकर अल्कोहल जो बनता है वो मेजर प्रोडक्ट होता था, ठीक है। चलिए, यानी यहां पर जब मैं प्रोडक्ट बनाने जाऊंगा तो मैं प्रोडक्ट कुछ ऐसे बनाऊंगा, जरा देखिएगा, ये ऐसा, यहां OH, यहां CH2 और इस पर आ गया प्लस चार्ज। बोलो बच्चों, ये क्या हुआ सर, पहले यहां डाइजोनियम बना, पहले यहां क्या हुआ, इधर आया CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस चार्ज Cl, बट ये कैसा है, एलिफेटिक का केस है, अनस्टेबल है, ब्रेक कर जाएगा, और ब्रेक करते ही यहां पर क्या चीज दिखाई देगी बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, मैंने पहला जो एग्जांपल लिया था ना, याद है आपको, इससे पहले जो बना रहे थे वहां मैंने पांच मेंबर की रिंग बनाई थी, फिर मैं एक्सपेंशन नहीं कराना चाह रहा था कि पांच से छह में चला जाए, इसलिए मैं छह की बनाया मैंने, कि अब ये छह की बन गई, अब क्या होगा, रिअरेंज होगा क्या, यहां के बाद यहां आएगा क्या, आएगा, ठीक है, यहां के बाद ये यहां आ गया, बिल्कुल सही है। अब आपने जो पढ़ा है बच्चों बस उसी को ही यूज कर रहे हो, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया इस जगह पर, क्या कहते हो, अब क्या करें, क्या एक और शिफ्ट करवाएं, क्या एक और शिफ्ट करवाएं, अरे यार मैंने प्रोडक्ट सही नहीं बनाया यार, मैंने प्रोडक्ट सही नहीं बनाया, क्योंकि एक और ऑप्शन आना चाहिए वो सही होगा, ठीक है ना,
और वो ऑप्शन ये होगा। ये सही होगा क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है अभी अपना सपना पूरा कर सकता है ना। अपना सपना पूरा करने के लिए पॉजिटिव चार्ज कहां पहुंच जाएगा? इधर। और जैसे ही इधर पहुंचेगा यहां आ जाएगा क्या? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पांचवा, इटावा नहीं है, फिफ्थ। ठीक है। अच्छा, यदि हमने 2 डिग्री एमीन के साथ रिएक्शन कराई होती तो 2 डिग्री एमीन के केस में चाहे एलिफेटिक होता चाहे एरोमेटिक होता, अभी सवाल भी करेंगे इस पर अपन, चाहे एलिफेटिक होता चाहे एरोमेटिक होता, रिएक्शन का जो नाम होता है 2 डिग्री के केस में वो होता है लीबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। और दोनों केस में ही बच्चों बनता है क्या? येलो कलर का ऑयल फॉर्म होता है दोनों ही केस में। ठीक है। 3 डिग्री में यदि आपने बात कर ली, अगर नहीं रिएक्शन इसमें होती है बे, हिंसबर्ग रिएजेंट में रिएक्शन नहीं होती, इसमें तो रिएक्शन होती थी। यदि एरोमेटिक का केस होता था तो पैरा पोजीशन पर आकर एनो जुड़ जाता था। कल ही पढ़ा है बच्चों, पैरा पोजीशन पर आकर जुड़ जाता है एनो, यदि कैसा हो? 3 डिग्री एरोमेटिक का केस हो। और यदि एलिफेटिक का केस होता था तो 2 प्रोडक्ट बनते थे, याद है? यदि हम ये लेते थे R3N और उस पर रिएक्शन करा देते थे HNO2 और H+ की, तो मैंने क्या कहा था, इससे बनेगा क्या? NO पॉजिटिव फॉर्मेशन होगा R3N N डबल बॉन्ड O, इस पर प्लस और Cl, ये बन जाता था। एंड एक दूसरा क्या होता था, R3N H+ और Cl-, दोनों में मेजर कौन? नीचे वाला मेजर प्रोडक्ट, याद आ गया। हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट 1 डिग्री के साथ पीपीटी सॉल्वेबल इन बेस, 2 डिग्री के साथ पीपीटी और इनसॉल्वेबल इन बेस। ठीक है। और यदि हम 3 डिग्री के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो आपका कुछ भी, अगर मैंने आपसे कहा कि C5, या मैं ऐसे लिख देता हूं 3, 4, 5 NH2, ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H कितना हो जाएगा? अनसेचुरेशन तो कोई है ही नहीं, तो आपका 12, 13, 14 ना, सही किया ना मैंने, 12, 13, 14 गिन भी लेते हैं, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अच्छा, एक ये वाला बॉन्ड छूटा है ना। ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि C5H13N, इसके पॉसिबल आइसोमर बताओ। इसके पॉसिबल आइसो, क्वेश्चन कैसे आएगा ये मैं बता रहा हूं, इसके पॉसिबल आइसोमर बताओ जो आपका जब रिएक्शन करें हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ तो वो आपका कंपाउंड ऐसा बनाए जो हो क्या? वाइट पीपीटी सॉल्युबल इन बेस, पॉसिबल आइसोमर ओनली स्ट्रक्चरल। स्टीरियो नहीं काउंट करना, ये आ गया सवाल। आपने ये तो सीख लिया कि इसके अंदर सॉल्युबल और ये और वो, अब उसका एप्लीकेशन वो ऐसे करवाएंगे कि C5H13N के पॉसिबल आइसोमर बताइए
जो आपका हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन करने पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बना रहे हो, जो कि सॉल्वेबल हो, किसके अंदर? बेस के अंदर। अब आपका जैसे ही जवाब आ जाए मुझे बताइएगा। पहले आपको यह समझ में आ रहा है क्वेश्चन में करना क्या है? आप बाद में दिमाग, पहले यह बताओ, पहले आपको यह समझ में आ रहा है कि इसके अंदर करना क्या है, कि इसके इस फॉर्मूले के आइसोमर बनाने, एक बनाकर बताऊं आप फिर काउंट करना, ठीक है? जैसे मैंने पहले लिखा कि पांच कार्बन है, एक दो तीन चार पांच, मुझे बताओ ये कंपाउंड क्या हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ टेस्ट देगा, और क्या ये वही होगा जो सॉल्वेबल होगा बेस के अंदर? अच्छा ये बताओ, अगर मैं ये NH2 यहां की बजाय यहां लगा देता, क्यों? अच्छा ये 2 डिग्री है क्या? पहले वही हमने कहा ना, आप दिमाग थोड़ी देर बाद लगाना, थोड़ा सा मैं आपको साफ कर दूं फिर खेलने जाना बाहर। यहां NH2 ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। अच्छा ये मैं इधर सरका दूं तो भी ये 1 डिग्री है। क्या इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, ये जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनाया है मैंने, क्या इसके अंदर 3 ऐसे आइसोमर मिल जाएंगे? 3 मिल जाएंगे। अच्छा ये बताओ, ये कार्बन की चेन मैं ऐसे भी तो सोच सकता हूं, और ये कार्बन की चेन मैं ऐसे भी सोच सकता हूं। अब मुझे आप आंसर बताओ कि क्या लग रहा है, ऐसे भी सोच सकता हूं, ऐसे भी, ऐसे भी। अब आप सोचो, अब दिमाग लगाओ, इतना भी हो गया तो फिर जीत है आपकी। दो लोग का सही हो गया अब तक, प्लस 5 दो लोग के हो गए। प्लस 5 दो लोगों के हो गए, बिल्कुल सही। प्लस 5 टोटल कितने? नो 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 नो, प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 हाँ, नो सही, नो 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 नो। 2 मिनट रुके हैं, आप टाइम ले लो आराम से, बिल्कुल सही है। प्लस 5 2, अच्छा क्योंकि 3 तो पहले ही आ गए थे। हाँ ये सही, सही जवाब है 7, गलत बोला मैंने 8। इसमें कितने? 1 2 3, इसमें 3, इसमें बोलो, एक यहां, एक यहां, एक यहां, और एक इन दोनों में। बोलो बच्चों, इसमें नहीं आया समझ में? सही जवाब है। अब मैं अपनी शर्त बदलता है, अब ओनली स्ट्रक्चरल हटाता है, आपको बताना है अब क्या होगा। एक मौका और है आपके पास, लगा दीजिए बुद्धि। कहो, कोई बोल रहा था क्या आंसर? एक जवाब आया 10, आप चेक करो। टेन ही है, दो लोगों ने लॉक किया है भाई, 10 लॉक कर दें। साइक्लिक नहीं, ओपन चेन फॉर्मूला लिखा है मैंने, साइक्लिक नहीं, ओपन चेन फॉर्मूला लिखा है, कोई अनसेचुरेशन नहीं है।
10 ही हैं भाई, तीन लोगों के आगे। चलिए जरा देख लेते हैं। चलिए सबसे कठिन वाला मैं बताता हूं पहले, इसके अंदर तो एक ही है, ठीक है। अच्छा इसके अंदर देखते हैं, एक, दो, तीन, सही किया मैंने, चार, ठीक है, इधर आ जाओ, पांच, छह, सात, इधर आठ, नौ, और कितने? और एक, 10। अरे बात एक ही है, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया है, इधर एक किया, इधर मैंने जो तो किए वो दो किए, इधर मैंने एक किया, जब इधर किया तो बीच वाला कायरल हो गया। नहीं जिला, बताऊं क्या, लिखूं क्या? जब मैंने इधर किया तो बीच वाला कायरल हो गया ना, तो बीच वाला कायरल हो गया, तो अब फॉर्म काउंट कर लो, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10। ओ माय गॉड, एक से चूक गए आप। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो जरा देखिएगा, यहां पर जो हम लोगों ने पिछले टर्न पर बात करी थी, वो बात करी थी क्या, एक थी ए आर एस एन वन, अभी लिखवा दिया। तो सर ए आर एस एन वन होती है तो ए आर एस एन टू भी होती है क्या रिएक्शन? हाँ, ए आर एस एन टू टाइप रिएक्शन, इसी के आगे ही लिखना है आपको। ये काफी रेयर है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, काफी रेयर टाइप की रिएक्शन है। और ये कब होती है? देखो बच्चों, जब आपका कोई बेंजीन हो और इस बेंजीन पर लगा हो लीविंग ग्रुप। देखिए देखिए, एक सेकंड मेरी बात सुनिएगा, ए आर एस एन वन कैसी हुई थी जरा उसको देखिए। इसको ऐसे ध्यान में रखो, ये एलिफेटिक के केस में पूरा अपना नया टॉपिक आएगा, अगला टॉपिक यही होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसमें ही अपना ईथर खत्म होगा जो आपके बोर्ड में आएगा। एस एन वन, वन को आप ऐसे दिमाग में रखिए कि जहां कहीं भी वन दिखेगा ना, वहां पर इंटरमीडिएट बन रहा होगा। एस एन वन यानी वन को आप सोचो कि आई लिखा हुआ यहां पर, तो जहां कहीं पर भी वन होगा वहां इंटरमीडिएट बन रहा होगा। जैसे ए आर एस एन वन रिएक्शन कौन सी थी कल जो हम लोग ने पढ़ी थी, यानी जब बनता है क्या डाइजोनियम और आप इस पर रिएक्शन कराते हो किसी न्यूक्लियोफाइल की, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो आता है किस कैटेगरी में? वो आता है ए आर एस एन वन की कैटेगरी में। रिएक्शन कैसी चलती है? फर्स्ट स्टेप ऐसी होती है कि पहली स्टेप में ये आपका टूटता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, इधर प्लस, इधर सी एल माइनस, पहले ये डिसोशिएट होता है और देखिए बन क्या जाता है, एक बन क्या जाता है, एक इंटरमीडिएट, पहले इस चीज का फॉर्मेशन हुआ, ये बन गया क्या इंटरमीडिएट, ये सीएल निकलेगा ना, यहां से एचसीएल निकलेगा ना, ठीक है, ये आपका एचसीएल, ये बन जाता था इंटरमीडिएट, ये पहली स्टेप हो जाती थी। और फिर सेकंड स्टेप होती थी क्या, न्यूक्लियोफाइल का अटैक और प्रोडक्ट बन जाता था ये। ये कैटेगरी है कौन सी? ए आर एस एन वन की, जो हम लोग ने कल देखी थी, याद आया? हम लोग कहीं पर भी किसी भी तरह से NH2 बना लेते थे, NH2 को कन्वर्ट कर ले जाते थे किसमें, डाइजोनियम में, हीट करते थे और रिएक्शन करवाते थे, तो वो जो कैटेगरी थी वो थी ए आर एस एन वन की।
ARSN 2 टाइप की रिएक्शंस क्या होती हैं, जहां कहीं भी ऐसा दिखे आपको, ये काफी रेयर रिएक्शन है। बेंजीन यहां लगा हो कोई लिविंग ग्रुप और आप इस पर रिएक्शन करा रहे हो न्यूक्लियोफाइल की। देखो बच्चों, ये ARSN1 और ARSN2 रिएक्शंस पहले सुन लो तो ज्यादा सेव रहेगा, आपके नोट्स की कीमत तब तक बिल्कुल नहीं है जब तक आप सेलेक्ट ना हो जाओ। जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो इन नोट्स की कीमत है कि ये नोट्स उन भैया के हैं जो सेलेक्ट हो गए हैं, और जब आप सेलेक्ट नहीं रहोगे तो इन नोट्स की कीमत 500 रुपए भी नहीं है कि ये उन भैया के नोट्स हैं जो कभी सेलेक्ट ही नहीं हुए, उसकी कोई वर्थ नहीं है। वर्थ उन नोट्स की है जिसका रिजल्ट निकले। तो पहले सुन लीजिए फिर लिखिए। अरे मेरी बात समझ में आई? तो देखो मेरी बात सुनो, टाइमिंग के खेल के हिसाब से ये रिएक्शंस जो है ना, ये दो भागों में डिवाइड हुई हैं। टाइमिंग का खेल क्या है? टाइमिंग का खेल ये है कि देखो, ऐसा हो सकता है लीविंग ग्रुप को निकलना है और न्यूक्लियोफाइल को भिड़ना है। लीविंग ग्रुप को बाहर निकलना है, जब लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा तो कौन सा चार्ज लेकर निकलेगा? लीविंग ग्रुप हमेशा कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। लीविंग ग्रुप हमेशा कार्बन से कैसा होता है? ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। जैसे पहले पढ़ा था ना हम लोग ने कि यहां कार्बन कार्बन, इधर लगा हुआ है कुछ हैलोजन, ये हैलोजन बाहर निकला तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को लेकर यहां से चला जाएगा, तो यहां कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो होता क्या है, लीविंग ग्रुप को बाहर निकलना है, पॉजिटिव चार्ज आना है और इस पर न्यूक्लियोफाइल को टकराना है, यही काम होना है। न्यूक्लियोफाइल को टकराना है किस पर? पॉजिटिव चार्ज पर। अब दो चीजें हो सकती हैं, यदि पहले लीविंग ग्रुप निकल जाए और फिर न्यूक्लियोफाइल टकराए, एक ये चीज हो सकती है, या एक दूसरी चीज हो सकती है, लीविंग ग्रुप का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का टकराना, ये दोनों एक साथ हो जाएं। लीविंग ग्रुप पहले निकल जाए, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाए, तब आपका रिएक्शन हो न्यूक्लियोफाइल की, ये एक केस हो सकता है। या दूसरा केस ये हो सकता है कि लीविंग ग्रुप का निकलना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ये दोनों सेम टाइम पर हो। यही दो पॉसिबिलिटी तो हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं और एक बार सुनो। जैसे मान लो, इसको मैं इस एग्जाम्पल समझाता हूं। यहां मैंने कहा CH3 है, यहां मैंने कहा H है, यहां कहा D है, यहां लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, मान लो ये चीज है, और इस पर अटैक करने आ रहा है एक न्यूक्लियोफाइल। इसको क्या करना है? इस कार्बन पर जिस पर डेल पॉजिटिव चार्ज है ना बच्चों, इस पर अटैक करना है। तो दो केस हो सकते हैं। क्या केस हो सकता है? पहले लीविंग ग्रुप निकल जाए फिर अटैक हो, या ऐसा हो सकता है इसका अटैक हो रहा हो और लीविंग ग्रुप बाहर निकल रहा हो। यही दो पॉसिबिलिटी तो है। क्या तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या कि पहले अटैक हो जाए और फिर लीविंग ग्रुप बाहर निकले? यह नहीं हो सकता। क्यों? पांच बॉन्ड बनने लग जाएंगे। क्या आप मेरी बात पकड़ पाए? अगर अलर्ट होकर बैठोगे तो बात पकड़ पाओगे कि यही दो केस हो सकते हैं टाइमिंग के हिसाब से, कि या तो ये, और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए और ना पिछला पढ़ा होना चाहिए, इसके लिए बस यहां पर बैठ के सुनना चाहिए, बस इतना ही में काम हो जाएगा आपका, कि ये जो लीविंग ग्रुप है ये हटना है और इसका भिड़ना है, तो इसमें दो पॉसिबिलिटी है। पहले लीविंग ग्रुप बाहर चला जाए, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाए और उस पर न्यूक्लियोफाइल आकर भिड़ जाए, ये एक केस। या ये हट रहा हो धीरे धीरे, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो और उसी इंस्टेंट पर ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा हो, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो जब भी कभी लीविंग ग्रुप पहले हट जाएगा तभी प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज यहां दिखाई देगा, तब वो कैटेगरी कौन सी होगी? ARSN1, क्योंकि यहां पर आपको दिखेगा, यहां देखिए ये क्या है, लिविंग ग्रुप बताया था कल, ये हटेगा, N2 यहां से बाहर निकलेगा, देखिए प्रॉपर पॉजिटिव चार्ज बन गया, फिर इस पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, तो ये कौन सी कैटेगरी है? ये है ARSN1 की कैटेगरी। अब आ गया होगा,
दूसरा सुनिए, दूसरा है लिविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक, ये दोनों एक साथ हो। ये प्रोसेस रिलेटिवली काफी रेयर है, कुछ खास जगहों पर देखी जाती है। जैसे ऐसा होगा, यहां देखिए, इसको मैंने शिफ्ट कराया, इधर आया निगेटिव चार्ज, इधर आया पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल है जिसके पास क्या चीज होगी, या तो निगेटिव चार्ज, या तो इसके पास कौन सा चार्ज होगा, निगेटिव चार्ज, या क्या होगा, लोन पेयर। इसको आपने शिफ्ट करा दिया, एक साइड में कौन सा चार्ज, एक साइड में कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये जाकर इस पर भिड़ेगा, जरा देखिएगा, इधर ये, इधर ये, इधर ये, सॉरी निगेटिव। ये चीज समझ में आई क्या हुआ, ये आपका क्या हो रहा है, यहां से इधर आकर जुड़ गया न्यूक्लियोफाइल, इस साइड में आ गया कौन सा चार्ज, पॉजिटिव वाले पर तो ये चीज जाकर जुड़ गई, इधर आ गया कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज, ये बन गया। अब क्या होगा इसके बाद, इसके बाद यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, और आपका फॉर्मेशन किस चीज का, ये ऐसा, ये ऐसा, यहां आकर जुड़ गया क्या, न्यूक्लियोफाइल। इसको आप ऐसे समझो, यहां पर जो हो रहा है इस जगह पर, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक। अब बेंजीन रिंग वापस कैसे आएगी, जरा देखो, ये बॉन्ड जब जाएगा तो अपना क्या करेगा, ये बॉन्ड जब जाएगा, लिविंग ग्रुप जब हटेगा तो यहां पर क्या कर रहा होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा होगा, सॉरी लेकर जा रहा होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहा होगा। ऐसे करना, ये इधर, ये बाहर, यानी इससे हमारा ये फॉर्म हो रहा होगा। फिर से बोलूं, आया समझ में, यहां ये, यहां ये, ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, इधर आकर जुड़ा ये लिविंग ग्रुप, ये न्यूक्लियोफाइल, इधर ऐसा, इधर ऐसा, इधर निगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ये जब ब्रेक होगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। तो इसको ऐसे दिमाग में सेट करो कि ये इधर और ये बॉन्ड इधर चला गया, यानी इस तरह से इधर आपका फॉर्म हुआ क्या, ये कंपाउंड। इस रिएक्शन में खास बात क्या है, चूंकि रिएक्शन में देखो वहां क्या हो रहा है, इस जगह पर क्या होता है, पहले लिविंग ग्रुप निकलता है, पॉजिटिव चार्ज बनता है, फिर अटैक होता है, यानी इंटरमीडिएट बना ना, यहां क्या इंटरमीडिएट बना है, क्या इंटरमीडिएट बना है क्या इस जगह पर, ना, यहां तो एक बार में ही रिएक्शन हो गई है, यहां बीच में एक पॉजिटिव चार्ज इंटरमीडिएट बन रहा है। अरे कद्दू सर, ये चीजें बच्चे इतनी भयंकर रिस्पॉन्ड करते हैं ना, और आप पता नहीं क्या भूलते जा रहे हो, क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल अभी तो बोला, ये चीजें क्या चल रही हैं, लिविंग ग्रुप का हटना और न्यूक्लियोफाइल का अटैक। यदि लिविंग ग्रुप आपका पहले निकल गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया और अटैक हुआ, तो वो SN1 है, और यदि आपका न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का बाहर निकलना ये साथ में हो रही है प्रोसेस, तो ये कौन सी रिएक्शन है, ARSN2। अब देखो ये रिएक्शन की RDS है, पहले सुन लो मेरी बात ध्यान से, जब आप जाओगे ना 1 बजे तक, जब आप जाओगे 2 बजे तक, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप 2 बजे तक जाने पर फोकस ना करो, आप फोकस इस बात पर करो कि ये क्लियर हो जाएंगी 2 बजे तक, हाय रे, इस पर फोकस करो कि जब जाऊंगा तो सारी चीज समझ कर जाऊंगा, तो बैठने की वर्थ है यहां पर। ये है रिएक्शन की RDS। अब मेरी बात सुनना, अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ किसमें ये न्यूक्लियोफाइल अच्छी तरह से भिड़ेगा, मान लो मैंने 2 ले लिया होता आपका, एक ये और एक ये कंपाउंड, और मैंने कहा दोनों पर ही आप रिएक्शन कराओ न्यूक्लियोफाइल की, और बताओ किसके अंदर रेट ऑफ
Ar SN2, या SN2 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर मैंने ये कंपाउंड दे दिए तो SN2 ही हो रही होगी, क्योंकि SN1 तो एक फिक्स कैटेगरी में ही होती है। इसके अलावा अगर कभी भी आप देखिए, थोड़ा सा सेपरेट करिए चीजों को, बेंजीन है उस पर यदि कोई पॉजिटिव चार्ज आकर भिड़ेगा तो वो कैटेगरी फिक्स है कि या तो वो एल्काइलेशन होगा, एसाइलेशन होगा, नाइट्रेशन होगा, हैलोजिनेशन होगा, सल्फोनेशन होगा। यदि कोई निगेटिव चार्ज आकर भिड़ रहा है तो दो केस बने हैं, या तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पर निगेटिव चार्ज भिड़ रहा होगा तो वो केस है ARSN1, और इसके अलावा कभी हेलोजन लगे हो तो वो केस है कौन सा, ARSN2। और इसकी ये RDS है, ये रिएक्शन की क्या है, RDS है। यहां सबसे बड़ी बात, नो इफेक्ट ऑफ क्राउडिंग, क्राउडिंग का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो सर हम रेट कैसे कंपेयर करें, देखो रेट कंपेयर ऐसे करो, ये जो बन रहा है ना थोड़ी देर के लिए निगेटिव चार्ज, ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, ये कार्ब एनायन, ये कार्ब एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना इस रिएक्शन का रेट कैसा होगा, ज्यादा। क्यों, क्योंकि क्या होगा जरा देखो, यहां पर हुआ क्या है, यहां पर इसको हटा दूं, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा सा और लिख देता हूं। यहां हुआ क्या है, अगर आप देखो तो ये बन रहा है, पहले यहां ये था लीविंग ग्रुप था, यहां न्यूक्लियोफाइल था, ऐसे ऐसे निगेटिव चार्ज, या इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, इधर ऐसा ऐसा, इधर न्यूक्लियोफाइल, इधर ये, और इधर ये बाहर निकल गया, ऐसे ऐसे, यहां निगेटिव चार्ज, ये आपका लीविंग ग्रुप। जरा चेक करो, ये आरडीएस है। देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि लीविंग ग्रुप इस पर रिएक्शन करके न्यूक्लियोफाइल को बाहर भगा दे और रिएक्शन वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाए, ऐसा हो सकता है ना कि ये दो, ये प्रोसेस, हर प्रोसेस दोनों डायरेक्शन में चलती है। ये भी तो हो सकता है लीविंग ग्रुप इस पर टकराए, ये बाहर निकले, ये चार्ज इधर आए, इसको इस पर अटैक करे और रिएक्शन कहां चली जाए, बैकवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि हर रिएक्शन का कैसी डायरेक्शन में चलती है, दोनों डायरेक्शन में चलती है। इसका मतलब अगर मैं इस रिएक्शन का रेट के बारे में बात करूं तो मैं एक बात लिख सकता हूं कि जितना ये कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल होगा उतना इसकी इसके साथ रिएक्शन कम होगी, रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी, फॉरवर्ड ज्यादा जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों में किसके अंदर रेट ज्यादा होगा तो कंपेयर कैसे करोगे बच्चों, कंपेयर ऐसे करोगे कि जिस पर लिविंग ग्रुप लगा होगा इस पर ही निगेटिव चार्ज का अटैक हो रहा होगा न्यूक्लियोफाइल का, और बाजू में कौन सा चार्ज बन रहा होगा, निगेटिव। ये निगेटिव यदि स्टेबल हो गया तो हमारा रिएक्शन का रेट कैसा हो जाएगा, ज्यादा। ये निगेटिव जो यहां बना है वो ट्रायंगल में घूमेगा, तो क्या ये निगेटिव स्टेबल होगा यहां पर, इसकी तुलना में निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा या नहीं होगा, भाई साहब इतना तो मैंने 10 साल में नहीं बोला बेटा जितना मैं इस साल बोल रहा हूं, भाई साहब इंसान नहीं हूं, गधे, मूर्ख, मच्छर, मक्खी, बंदर। तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि यहां निगेटिव चार्ज यहां पर जब आया तो मैंने क्या समझा रहा हूं कि ये चीज लीविंग ग्रुप इधर आया, इधर आकर जुड़ा न्यूक्लियोफाइल, यहां NO2 है, ये इधर है, ये इधर है, इधर निगेटिव चार्ज है, क्या ये रेजोनेंस करके यहां नहीं आएगा और क्या ये रेजोनेंस करके इधर नहीं जाएगा, तो गधे मूर्ख ये क्यों नहीं सोच रहे, यहां पर हमने ये बना दिया ऐसे, अभी यहां दिमाग नहीं लगा रहे, पता है यहां क्या सोच रहे हैं ये, अरे ये डबल बॉन्ड के बाजू में रेजोनेंस थोड़ा ना करेगा, गधे। मैं बीच की स्टेप से सोच रहा हूं कि यहां कैसे सोचना है, इसीलिए तो इतना बोला यहां पर
कि बच्चों यहां निगेटिव चार्ज आएगा, ये निगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना निकलने वाले लीविंग ग्रुप से बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो पाएगी, जितनी बैकवर्ड रिएक्शन कम हो पाएगी उतनी फॉरवर्ड ज्यादा होगी। इसका मतलब यहां जब अटैक होगा तो निगेटिव कहां आएगा, इधर ये, इधर न्यूक्लियोफाइल, इधर निगेटिव, ये बनेगा। इसमें क्या होगा, बिल्कुल ऐसे ही, अब ये बार बार नहीं बनाना है, इसको तुरंत सोचना है, ये निगेटिव होगा, दोनों में कार्बेनाइन कौन सा ज्यादा स्टेबल, सेकेंड वाला कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल। इसका मतलब कौन सी जगह पर रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, जिसका कार्बेनाइन ज्यादा स्टेबल उस जगह पर रिएक्शन का रेट कैसा हो जाएगा, ज्यादा। अब मुझे बताओ, मैंने फिर से लिखा, इधर लिखा Cl, इधर लिखा Cl NO2, Cl NO2 CH3 CH3, A B C, ऑर्डर ऑफ ArSn2।